ऐसा एक बिजनेस जिसमें रिस्क भी नहीं है, अच्छा खासा प्रॉफिट है, माल सड़ने का भी डर नहीं है दोस्तों। हाँ जी, प्लास्टिक कैरी बैग का बिजनेस करने के लिए बोल रहे दोस्तों। और फ्यूचर में ये बंद होगा या नहीं बंद होगा ये तो पता नहीं है, मगर ये बिजनेस अभी तो चल रहा है और आप भी कर सकते हो। और कैसे करना है, एकदम कम पूंजी में, और इस टाइप का आप स्टॉल लगा सकते हो। कितना खर्चा होगा सब कुछ बताएंगे, कैलकुलेट हम करके आपको देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है आप लोग इस चैनल पर क्यों आए हो, आपको बिजनेस करना है, ज़रूर आपको बिजनेस करना है और बिजनेस में आपको दिलचस्प है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए कंटेंट यहाँ पे अपलोड होता है दोस्तों। डेली का डेली बिजनेस वीडियो, मंडी का अपडेट, बढ़िया बढ़िया सप्लायर का नंबर आपको प्रोवाइड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सबसे पहले तो आपके मन में जो डर है वो खत्म करेंगे दोस्तों। आपका कस्टमर बनेगा कौन, ठीक ना? सबसे पहले तो आप उठा तो लोगे, मगर आप सेल कहाँ पर करोगे दोस्तों? सेल करने का इतना बड़ा आपका फील्ड ना, मछली वाला आपका कस्टमर है, सब्जी वाला आपका कस्टमर है, आपका स्वीट का दुकान है वो आपका कस्टमर है, ग्रोसरी का आइटम का दुकान है वो भी आपका कस्टमर है, आपका कस्टमरी का पूरा मंडी आपका कस्टमर है, पूरा मार्केट आपका कस्टमर है, ठीक ना? वहां पे जाके सेल करो, मतलब कस्टमर का कोई अभाव नहीं है। और आपको माल जो उठाना है वो भी सड़ने का कोई चीज नहीं है, जो आप सड़ जाएगा, दो दिन नहीं सेल होगा तो सड़ जाएगा। आपका सड़ने का चिंता नहीं है, आपको सेल करने का चिंता नहीं है, माल उठाओ और सेल करो दोस्तों। और नेक्स्ट, आपको माल उठाना कहां से और कितना परिमाण आपको माल उठाना है दोस्तों? आप रिटेल करना चाहते हो, जैसे कि पकड़ के जाए दुकान दुकान जा जाके आपको माल देना है, तो एक बोरा दो बोरा लेके आप धंधा स्टार्ट कर सकते हो, उसमें आपका 10,000 रुपया समथिंग खर्चा होगा। मगर आप होलसेल करना चाहते हो, एक मंडी के गली में आप स्टोर लगाना चाहते हो, इसी टाइप का सेम आपको डाला लगाना है, तो मिनिमम 7 बोरा आप लगाने से आपका इस टाइप का आपको दुकान बन जाएगा दोस्तों, अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो दोस्तों। यार आपको रिटेल करना है तो 10,000 खर्चा होगा, और आपको होलसेल करना है तो मिनिमम 50,000 रुपया आपका खर्चा करना पड़ेगा। हाँ जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके मन में होता है, जो ये फ्यूचर में बंद हो जाएगा, हाँ जी फ्यूचर में बंद भी हो जाएगा ना, क्योंकि फ्यूचर में बंद भी हो जाएगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना, प्लास्टिक के रिगार्डिंग कुछ तो आएगा, मगर धंधा नहीं बंद होगा, ये प्रोडक्ट बंद हो जाएगा, इसके बदले कुछ ना कुछ आएगा, आपका धंधा चलेगा अच्छा खासा। बिजनेस तो समझ में आ गया दोस्तों, यही बिजनेस मुझे करना है, मगर माल कहाँ से उठाएंगे दोस्तों? माल उठाने के लिए आप कोलकाता पर रहते हो तो राजा कटरा आ जाइए, वहाँ पर भी माल मिल सकता है। आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली आपको वहाँ पर भी आपको माल मिल सकता है, क्योंकि सबसे सस्ता आपको गुजरात, दिल्ली और आपका कोलकाता में माल मिलता है दोस्तों। और माल चाहिए तो स्क्रीन शॉट में 2-3 को हम नंबर प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ पे भी कॉल करके आप बात कर सकते हो।